स्पेशल में एक और नई स्वीट के साथ आप सभी का मेरे चैनल पर मोस्ट वेलकम। फ्रेंड्स, आज हम जो मिठाई बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत जल्दी बन जाएगी और बहुत ही कम बजट के अंदर ये बनेगी, तो इसे आप ज़रूर से बनाइए। और ये मार्केट में हमें 500-600 रुपये किलो में मिलती है और ये हम सिर्फ 40 रुपये के अंदर इस मिठाई को घर पर बना लेंगे, और वो भी एकदम शुद्धता के साथ। तो इसे ज़रूर से बनाइए और इसका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। जो भी इसे खाएगा वो आपकी तारीफ ज़रूर करेगा और आपको भी इसे बनाने में बहुत मज़ा आएगा। ये कैसे बनती है और किन चीज़ों से बनती है, इसके लिए आप पूरा वीडियो देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्वीट कैसी लगी। तो आइए हम बनाते हैं अपनी डबल लेयर वाली बर्फी। स्पेशल बर्फी बनाने के लिए ये मैंने 1 कप मैदा लिया है और ये 1/4 कप घी है। ये जमा हुआ घी है इसलिए थोड़ा कम दिख रहा है, और अगर पिघला हुआ आप घी लेंगे तो पूरा 1/4 कप घी लेना है। तो अभी हम इसकी 10 मिनट तक धीमी आंच के ऊपर सिकाई करते हैं। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर रखना है। बहुत ही टेस्टी बर्फी बनेगी ये, और इसको हमको बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर, और इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देंगे हम, और बस कच्चापन निकालना हमको, इतना ही सेकना है हमको। अब इसको 10 मिनट हो गए और इसकी बहुत अच्छे से सिकाई हो गई, तो हम गैस को बंद कर रहे हैं। अब हम चाशनी बनाएंगे, तो इसके लिए जिस कप से हमने मैदा लिया था उसी कप से हम चीनी लेंगे। 1 कप चीनी ली है मैंने और 1/2 कप इसके अंदर पानी डालेंगे, और हमको 1 तार की चाशनी बनानी है इसकी। तो ये 1/2 कप पानी लिया है मैंने और अब हम इसकी 1 तार की चाशनी बनाएंगे। तो अभी हम आँच को एकदम तेज कर देते हैं और जब शक्कर मेल्ट हो जाएगी तो हम वापस से मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। अब ये चाशनी बन के तैयार हो गई है और हम देख लेते हैं 1 तार की हो गई है क्या। थोड़ा ठंडा होने देते हैं और ये देखिए आप, ये अच्छे से 1 तार आने लगा है इसमें। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और ये जो मैदा हमने सेका था वो इसके अंदर धीरे धीरे करके और मिला देते हैं। ये हम जब तक इसको मिक्स करते हैं तब तक हम गैस को बंद रखेंगे। इसे मिक्स हो गया तो अब हम गैस को फिर से ऑन कर देते हैं। तो अब हम इसके अंदर, ये मैंने 4 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है या पसंद करते हैं तो आप डालें, नहीं तो ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगेगी। तो मैं इसके अंदर ये मिक्स कर रही हूँ, 4 छोटे चम्मच मैंने मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर डालने से ये बिल्कुल मार्केट की बर्फी जैसी लगेगी और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब हमने गैस को बिल्कुल बंद कर दिया है और इसी पैन के अंदर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम डबल लेयर वाली बर्फी बना रहे हैं तो हम आधा आधा कर लेते हैं। तो आधे को हम ऐसे प्लेन निकालेंगे और आधे के अंदर कलर मिलाएंगे। अगर आप बिल्कुल प्लेन बनाना चाहते हैं और कलर पसंद नहीं करते हैं तो आप इस स्टेज पे आके इसको ट्रे के अंदर जमा सकते हैं, लेकिन मैं इसको डबल लेयर वाली बना रही हूँ तो इसको आधा निकाल लेती हूँ मैं। डबल लेयर वाली बनाए तो आप अपनी मनपसंद का कलर मिला सकते हैं, मैं आज इसके अंदर ग्रीन कलर मिलाऊंगी। अब हमने एक प्लास्टिक की शीट ली है और ये वाली, इसको हमने इसके ऊपर घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है, और अभी हम ये जो हमारा ये वाइट वाला था इसका हम एक पेड़े जैसा बना के और हम इसकी रोटी जैसा बेलेंगे। अब हम ये ग्रीन वाला जो हमने कलर वाला बनाया है डो,
इसका हम इसको हम बेल लेते हैं अच्छे से, जो हमने प्लेन वाला बेला है बस उसी साइज का बेलते हैं इसको भी। और ये सब हमको हल्का हल्का गर्म रहता है तभी करना है, एकदम इसको ठंडा नहीं होने देना है। अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर जो क्रैक्स होते हैं वो आ जाएंगे। इसको भी हम ऐसे स्क्वायर में कर लेते हैं। अब हमने जो ये वाइट वाली लेयर बनाई थी इसके ऊपर हम वो ग्रीन वाली जो बनाई है उसको रखेंगे। तो इसके लिए आप थोड़ा सा हल्के हाथ से इस लेयर को हम इसके ऊपर रखेंगे, बहुत ही हल्के हाथ से रखना है हमको, बिल्कुल नाप की बनाना है पूरी। ये ऐसे रख देंगे हम। अब हम इसको एक जैसा कर देते हैं ऐसे, आप किसी भी चम्मच से भी कर सकते हैं पीछे से। अब आप इसके ऊपर अपने मन चाहे उससे डेकोरेशन कर सकते हैं, आप चाहे ड्राई फ्रूट लगा या चांदी का वर्क लगा। मैं इसके ऊपर आज नारियल पाउडर डालूंगी थोड़ा थोड़ा। और अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे एक घंटे के लिए छोड़ देते हैं, फिर इसके पीसेस निकालेंगे। अभी ये बर्फी बहुत अच्छे से सेट हो गई है और ये देखिए आप, तब हम इसके पीसेस निकाल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार है हमारी बहुत ही सुपर टेस्टी और एकदम डिलीशियस सी झटपट बनने वाली मिठाई। और बिल्कुल ये कम सामान के अंदर बन के तैयार हुई। और इसको हमने जो भी वो मिल्क पाउडर मिलाया है, अगर आप चाहें तो मिलाएं, नहीं तो ये वैसे भी बहुत टेस्टी लगेगी। तो इसे ज़रूर ज़रूर से बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सोशल साइट पर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।